गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्रामिंग में क्या होती है? बेसिकली दो टाइप के कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं हम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और सेकंड वन है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब जैसे किसी फंक्शन की बात करते हैं, कोई फंक्शन है, वो फंक्शन क्या करेगा कि किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए कुछ नंबर ऑफ़ स्टेप्स या नंबर ऑफ टाइम या कैलकुलेशंस यूज़ करेगा, तो उसके हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम वो पर्टिकुलर फंक्शन ले रहा है किसी कोई भी टास्क दे रखा है उसको सॉल्व करने के लिए। इसी तरह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि कितना एक्स्ट्रा स्पेस वो पर्टिकुलर फंक्शन ले रहा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो जैसे फॉर एक लूप चलाते हैं वन से एन तक, ठीक है, तो ये लूप है तो कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स लिखें, तो ये जो ये लूप है कितनी बार चलेगा, एन प्लस वन टाइम। ठीक है, मान के चलो यहाँ पर कोई सिर्फ प्रिंट एफ करके कुछ प्रिंट करा दिया कुछ भी, ठीक है, तो जो इसके अंदर लिखा है वो एन टाइम चलेगा। अगर एक आध लाइन और लिखी होती वो भी एन टाइम चलती। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम जब निकालेंगे तो आएगा एन प्लस वन प्लस एन प्लस एन, ठीक है, तो थ्री एन प्लस वन टाइम ये टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन होगा इसका, जो भी जब ये लूप चलेगा तो। ठीक है, तो जब इस तरह का आता है तो हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है उसी पावर के फॉर्म में इसे लिख देते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, इसका मतलब है ये ऑर्डर ऑफ एन में चला। ऐसे ही अगर दो लूप हैं, एक है फॉर i इज इक्वल्स टू वन टू एन, फिर इसके अंदर ही है फॉर j इज इक्वल्स टू वन टू एन और कोई चीज़ लिखा होगा। ठीक है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, वन टू एन, ये कितनी बार चलेगा, हर एक i के लिए n बार चलेगा। ठीक है, तो n i की वैल्यू वन टू n जा रही है तो कितनी बार चलेगा ये, n इंटू एन टाइम्स, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो भी कितनी बार होगा, एन स्क्वायर या एन इंटू एन टाइम्स। ठीक है, तो जब इसका कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो आएगा एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एन, ये भी एन स्क्वायर प्लस एन, टू एन स्क्वायर प्लस एन टाइम ये चलेगा। तो जब इसका कॉम्प्लेक्सिटी लिखोगे तो जो सबसे बड़ी पावर है उसके फॉर्म में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इस लूप को चलने के लिए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लगा, इस लूप को चलने के लिए ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगा। ठीक है, तो इस तरह से ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की जाती है। आगे जब हम कोई फंक्शन या कुछ चीज़ देखेंगे तो अभी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस या एसिम्प्टोटिक नोटेशंस वगैरह बताऊंगा, तो उसमें फाइनली एक एग्जांपल लेके बता दूंगा, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस इतना याद रखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट या कोई नंबर ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, इसी तरह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का अगर हम बात करेंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई फंक्शन है तो वो कितना स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो अब जैसे देख लेते हैं, क्या करेंगे, एक मेन फंक्शन लिया, a इज इक्वल्स टू फाइव लिया और हम क्या कर रहे हैं, इसी a को प्रिंट करा रहे हैं फॉर i इज इक्वल्स टू परसेंटाइल d a। ठीक है, ए को ही फाइव टाइम प्रिंट करा रहे हैं। अगर बोला जाए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो इसमें क्या क्या स्पेस लग रहा है, ए को स्टोर कराने के लिए फाइव लग रहा है, आई को स्टोर कराना पड़ेगा कहीं पर, ठीक है, तो दो मेमोरी स्पेस लग रहे हैं कहीं पर। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कॉन्स्टेंट आता है तो
उसको हमेशा ऑर्डर ऑफ वन के फॉर्म में लिखते हैं, चाहे टू आए, चाहे टेन आए, चाहे फिफ्टी आए, हंड्रेड आए, अगर कॉन्स्टेंट है तो उसको ऑर्डर ऑफ वन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब एक फंक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे एक फंक्शन है, दो दो फंक्शंस हैं, ठीक है, पहला फंक्शन है, दोनों सॉर्टिंग के फंक्शन हैं, ठीक है, एक है इंसर्शन सॉर्ट है, ठीक है, एक काउंटिंग सॉर्ट है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंसर्शन सॉर्ट में कोई नया एरे नहीं लेते, मतलब इसमें एक एरे पास हो रहा है, एक ए पास कर रहे हैं, वो क्या करेगा, सॉर्ट करेगा, तो कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं, कोई नो एक्स्ट्रा एरे, मतलब कोई एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं करेगा, वो सॉर्ट कर देगा। जबकि काउंटिंग सॉर्ट क्या करेगा, टू एक्स्ट्रा एरे लेगा ऑफ साइज एन, ठीक है, एन क्या है, इसी जो ए का साइज है वो एन है, ए एरे होगा जिसे सॉर्ट करना है उसका साइज एन है, तो इंसर्शन सॉर्ट कोई भी एक्स्ट्रा एरे नहीं लेगा, जबकि काउंटिंग सॉर्ट क्या करता है, दो एक्स्ट्रा एरे लेता है साइज एन का, तो जो इंसर्शन सॉर्ट का कॉम्प्लेक्सिटी होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो कॉन्स्टेंट होगा, और जबकि जो काउंटिंग सॉर्ट का होगा वो क्या होगा, एन प्लस एन, टू एन साइज का एक एक्स्ट्रा एरे लेगा, तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ एन। तो जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कि कितना इस मेमोरी स्पेस कोई पर्टिकुलर फंक्शन ले रहा है, एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस। देखो इंसर्शन सॉर्ट है तो उसमें ए एरे तो इनपुट जा ही रहा है, लेकिन उसको काउंट नहीं करेंगे, किसको काउंट करेंगे, उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस लग रहा है तो, जबकि काउंटिंग सॉर्ट में क्या होता है, दो एक्स्ट्रा स्पेस लग रहे होते हैं इसलिए उसको एन प्लस वन एन साइज ले रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम होता, मान के चलो कोई प्रोग्राम फंक्शन है एक्स वाई जेड, वो वही ए ले रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, वो एक एक एरे ले रहा है जिसका साइज है एन क्रॉस एन। ठीक है, तो अगर एक कोई टू डाइमेंशनल एक्स्ट्रा एरे लेके कोई प्रोसेस कर रहा है तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो एन स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कितना एक्स्ट्रा स्पेस कोई फंक्शन ले रहा है वो डिसाइड करता है कि उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। अभी इंसर्शन सॉर्ट और काउंटिंग सॉर्ट आगे बताऊँगा तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, थैंक यू।